मेथी मूंग दाल की सब्जी एक बहुत ही टेस्टी सब्जी है जिसमें मेथी के साथ दाल को पकाया जाता है। ये एक सूखी सब्जी है इसलिए आप इसे अपने लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। वेलकम एवरीवन, आज हम आपके साथ मेथी और मूंग के दाल की सब्जी की बहुत ही आसान सी रेसिपी साझा करने जा रहे हैं। तो बनाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मेथी की भाजी को अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश किया और इसे बारीक बारीक काट कर ले लिया है। साथ ही मैं एक कटोरी मूंग की दाल को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, वॉश कीजिए और फिर 2 घंटे के लिए इसे भिगो दीजिए। ये देखिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगोया था, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हम 1 बड़े चम्मच के करीब करीब ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। अब इसमें जाएगी 10 से 12 लहसुन की कली बारीक चॉप की हुई। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो लहसुन यहाँ पर हल्का फ्राई हो चुका है, इसमें एक गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसमें जाएगा बारीक चॉप किया हुआ 1/2 इंच का अदरक का पीस। इसी के साथ 3 से 4 लाल मिर्च, मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्च में जो लाल कलर आ जाता है मैंने वही मिर्च ली है, ये थोड़ी सी तीखी है। अगर हम सूखी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ना तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा और रिजल्ट इतना बेस्ट नहीं आता है जितना कि हम चाहते हैं। अब इसमें हम सोक्ड की हुई मूंग की दाल ऐड करेंगे। 1 कटोरी साफ मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश कीजिए और 2 घंटे के लिए इसे सोक करने के लिए रख दीजिए। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए सोक किया था, अच्छी तरह से सोक्ड हो चुकी हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून क्रश्ड लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च को मोटा मोटा ग्राइंड कर लीजिए। सूखी मिर्च के बीजों से फ्लेवर इन्हेंस होगा, टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। मूंग की दाल को हम 3 से 4 मिनट के लिए सोटे करेंगे ऐसे चलाते हुए। 3 मिनट बाद इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई मेथी की भाजी। मेथी की भाजी को काटने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे मेथी की भाजी की कड़वाहट खत्म हो जाती है। मेथी की भाजी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जिससे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब कढ़ाई के ढक्कन को लगा करके भाजी को हम कम्प्लीटली कुक करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम आँच पर। और पकाते वक्त बीच बीच में इसे ढक्कन को हटा करके इसे हमें 2 से 3 बार इसे चला लेना है, ताकि ये मेथी की भाजी और दाल जो है वो कढ़ाई की तली में लगे ना, चिपके ना। वापस से ढक्कन को लगा करके इसे कम्प्लीटली कुक करेंगे। सब्जी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, कढ़ाई के ढक्कन को हटाकर इसे चेक करेंगे। वाह, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और ये कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। देख सकते हैं ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगी है और ना ही जली, एकदम परफेक्ट। मेथी मूंग दाल को राजस्थानी कढ़ी और फुलके के साथ दिन के खाने के लिए सर्व कीजिए। तारीफों के पुल यकीनन आपके आसपास बंध जाएंगे। सब्जी को प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं खिली खिली मूंग दाल और मेथी। वाओ, इसका टेस्ट एकदम अमेजिंग है। आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।